बहुत सारे रीजन हो गए, हमारे पास ये नहीं है, हमारे पास नॉलेज नहीं है, हाँ हमारे उतने उतने सोच नहीं है, ऐसे कई सारे रीजन आ जाएंगे, सामने आ जाएंगे, बराबर। मेरे दिमाग कोई आइडिया ही नहीं आता है, बराबर है। लेकिन मेरे पास मेरे दिमाग में जो आइडिया है वो सब फालतू होती है, ऐसे क्या क्या दिमाग में आती है, बराबर। या फिर मेरा उतना एजुकेशन नहीं है, मेरा समझ में नहीं आता कि मैं क्या करूं, ऐसे कई सारे रहते। तो हम ये जो एनर्जी है, मैं चाहता हूँ एनर्जी लगाना चाहता हूँ, तो पूरा परिवार को साथ लेके जाना, लेकिन अभी एनर्जी इकट्ठे लेके आ रही, कहाँ पर लगाओ, ये तो चाहिए, रास्ता तो चाहिए, कई जगह तो चाहिए कि उस जगह पे लगाऊ तो मैं आगे बढ़ू गारंटी के साथ में, बराबर है। तो एक आसान रास्ता मैं बता रहा हूं, आसान रास्ता। देखो, घर हर एक घर की जरूरत है, हमारे दिन की जरूरत है, बराबर है। सबके घर के सब आदमी की जरूरत है, सब भोजन करते हैं, सब वही सारी चीजें करते, बराबर, कॉमन है ना, नेसेसिटी, जरूरत है, सबकी जरूरत है, कॉमन है, तो ये कॉमन है, वो जरूरत है, वो क्या करना है, टू बिल्ड अ सिस्टम। जो जरूरत है ना, वो जरूरत है कहां पर करनी है, सिस्टम बिल्ड करने की। क्योंकि अभी इससे पहले हमने जो बात किया अमीर क्लास की, रिच क्लास की, वो क्या करते हैं, वो सिस्टम बिल्ड करके, इसलिए रिच क्लास में है। और जो पुअर क्लास या मिडिल क्लास जो है या अपर मिडिल क्लास है, ये कभी सिस्टम के बारे में सोचते नहीं, और हमेशा रिच क्लास जो है वो हमेशा सिस्टम के बारे में सोचते हैं। आज अंबानी इतने इतने बिजनेस खोलते जा रहा है, क्यों खोलते जा रहा है, वो सिर्फ सिस्टम लगा के छोड़ रहा है, और सिस्टम काम करती है, बिजनेस अपने आप चलता है, बराबर। क्या हमारे पास, तो वही सुन होता है, सिस्टम कहाँ पे लगाओ, तो हमारी जो जरूरत है, नेसेसिटी है, जरूरत है, दिन की जी जरूरत है, वहां पर ऐसी सिस्टम लगा कि वहां से हमारी इनकम जनरेट हो, वहां से हमारी इनकम बढ़ती रहे, वो ऐसी सिस्टम डेवलप करो। तो हमारी जरूरत है क्या, हर दिन हम प्रोडक्ट इस्तेमाल करते हैं, बराबर है। अभी मुझे बताइए, इसमें ऐसी कौन सी चीजें हैं जो हम इस्तेमाल नहीं करते, क्या ऐसा कुछ है कि घर का एक ही इंसान इस्तेमाल करते है, बाकी कोई नहीं करते, कुछ पे एक ही लगाते हैं, बाकी सब उसका मुंह देखते, ऐसा होता है क्या, साबुन से नहाते सब पूरा परिवार, बराबर है, सब भोजन करते हैं, सब ब्रेकफास्ट करते हैं, सब चीजें इस्तेमाल करते, बालों में तेल में सब लगाते है ना, ये सारी चीजें करते, पाउडर भी लगाएंगे, शैम्पू भी लगाएंगे, सब कुछ करेंगे, यही सारी चीजें, चाय पियेंगे, कॉफी पियेंगे, बराबर है, सब कहते हैं, बच्चा हो गया तो भी उसको, उसकी सेहत अच्छी है तो क्या क्या खाएंगे, कुछ देखेंगे तो वो भी लेके आएंगे, बराबर है, क्यों, बच्चे की सेहत अच्छी हो जाए, मतलब हर ये सारी चीजें घर में कॉमन होती है, हर एक घर में होती है, ऐसा होता है कभी नहीं, उसके घर में अलग हो रहा है, मेरे घर में अलग हो रहा है, ऐसा होता है क्या, ये सारी चीजें घर में, हर एक के घर में कॉमन होती है, ये कॉमन चीज है, लेकिन क्या होता है कि ये सब चीजें हम कॉमन करते हैं, क्योंकि इससे हमें कोई इनकम नहीं मिलती, आउटपुट नहीं, क्यों नहीं मिलती, क्योंकि ऐसी कोई सिस्टम ही नहीं है, सिस्टम नहीं है इसलिए पैसा नहीं है, एक ही पर्पज, वन पर्पज, सबका एक ही पर्पज है, क्या पर्पज है, सिक्योरिटी चाहिए, बराबर, एक ही पर्पज है, सिक्योरिटी किसी चाहिए, पहली सिक्योरिटी, हेल्थ, घर में ये सारी चीजें इस्तेमाल कर रहे हैं, बराबर, दिखाया मैंने, उसके पीछे क्या क्या कारण है, नेसेसिटी है ना, लेकिन नेसेसिटी जब हम कर रहे हैं, ऐसा कोई कानून जरूर ये नहीं ना कि ब्रश करना ही चाहिए सुबह, नहाना चाहिए, ऐसा नहीं, नहीं ना, तो वो उसके पीछे कारण क्या है, हेल्थ, हमारा स्वास्थ्य अच्छा रहना चाहिए, इसलिए तो करते हैं ना, अगर एक आदमी दो महीने नहा गया नहीं चलेगा क्या, चल सकता है, ऐसा कोई कानून नहीं है ना, लेकिन क्या उसको स्वास्थ्य अच्छा रहेगा, उसके पास नजदीक कौन आएगा, मतलब वो जानता है कि मुझे हेल्दी रहने के लिए, अच्छा रहने के लिए साफ सफाई की जरूरत है, ये उसकी जरूरत है ना, बराबर, वो जरूरत पूरी करने के लिए वो क्या क्या करता है, बराबर है, ये पहली प्रायोरिटी उसकी है, सिक्योरिटी, हेल्थ सिक्योरिटी है, और ये उसको क्या चाहिए, इनकम चाहिए, लेकिन इनकम कैसे चाहिए, कंटिन्यूसली चाहिए, अब ये इनकम कंटिन्यूसली कब आएगा, जब भी आप एक सिस्टम बनाएंगे, सिस्टम डेवलप करेंगे, तो ही आपके पास एक कंटिन्यूस इनकम आएगा, जो डूब रही है उसको भी वो
परचेस कर रहे हैं। क्यों परचेस कर रहे हैं? क्योंकि उन्होंने सिस्टम जो बनाई वो पावरफुल बनाई है, सिस्टम कंटिन्यू चल रही है, इनकम जनरेट हो रहा है, बराबर है। तो यहां पर मैं आपको आमंत्रित करता हूं एक ऐसी सिस्टम बनाने के लिए, एक ऐसी सिस्टम डेवलप करने के लिए जिसका नाम है BXL। शायद ये नाम आपने कभी सुना नहीं होगा या किसी के मुंह से सुना भी होगा, बराबर है, लेकिन सही जानकारी पास आपके पास नहीं आई होगी, या कुछ आधी अधूरी जानकारी भी आपके पास हो सकती है, या फिर किसी ने कुछ कहा होगा वो आपके माइंड में रहेगा, बराबर है। इससे पहले अगर आपके समझ में नहीं आएगा तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, आपका मन कहीं पर भटक रहा है तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन इससे आगे एक 10 से 15 मिनट आपका जो भटकता हुआ मन है आप यहां पर लेके आए, क्योंकि ये इसके आगे अगर छूट गया तो आपकी गाड़ी छूट जाएगी। इससे आगे का जो 10-15 मिनट है आपको यहां पर ध्यान देना, ये क्या है, इससे क्या मेरी जिंदगी बदल सकती है, क्या मैं वाकई में मिडिल क्लास से लोअर मिडिल क्लास से अपर क्लास में या फिर रिच क्लास में जा सकता हूं क्या? ये आपको यहाँ पे समझ में आया, ठीक है। तो ये प्लेटफॉर्म, ये सिस्टम बनाने के लिए ये आपको एक मौका दिया है इस कंपनी ने, इस कंपनी ने मौका दिया है। ये कितना साल पुराना ब्रांड है? 30 साल, बराबर। ब्रांड की हम बात करें, लोगों को ब्रांड ही चाहिए ना, बराबर है। तो लोग नए नए ब्रांड नहीं, जो पुराने ब्रांड रहेंगे तो कैसे? मेरे बिल्डिंग को किसने कंस्ट्रक्ट किया? लार्सन एंड टुब्रो, मतलब क्या हो गया? ब्रांड हो गया। मतलब L&T मतलब क्या? ब्रांड गारंटी, बराबर, मजबूती की गारंटी, बराबर, ब्रांड, बराबर। कितने साल पुरानी है? कितने साल लगे ना ब्रांड बनाने के लिए? वैसे ये BXL जो ब्रांड बना हुआ है ये 30 साल पहले का है, मतलब आज आया हुआ नहीं ब्रांड है, ये 30 साल पहले, मतलब आज अगर आप यहाँ पर आए हो तो आप समझ लेंगे आप कोई नए व्यक्ति नहीं हो, बराबर है। ये शायद आपके लिए नया हो सकता है, लेकिन इसके लिए आप नए नहीं है, पुरानी ही है, ठीक है। इसके सारे जो उत्पाद कैसे है? हेल्दी, क्योंकि हम जो डेली इस्तेमाल चीजें इस्तेमाल कर रहे हैं, क्या गारंटी के साथ बोल सकते हैं कि इसे हमें सेहत मिलेगी? अगर उसके बाद बात करने चले जाए तो 2 दिन भी कम पड़ जाएंगे, हर एक चीज को लेकर काम करेंगे, देखेंगे तो कितने सारे खराबी है, उसके उसमें निकल जाएंगे, बराबर है। इतने सारे जो उत्पाद हो गए से हेल्दी प्रोडक्ट है, ये मैं दावे के साथ बोल सकता हूँ। इसकी अगर आप चीजें इस्तेमाल कर रहे हैं तो आपको 100% में बोल सकता हूँ कि आपको सेहत मिल जाएगी, क्योंकि दिन में हम जो भी चीजें इस्तेमाल करते हैं उसके पीछे एक ही रीजन होता है, एक ही कारण होता है कि वो चीजें इस्तेमाल करने से मेरे शरीर में एनर्जी चाहिए, बराबर है। लेकिन साइंटिफिकली प्रूव है, या किसी आप अगर आप प्रोडक्ट ट्रेनिंग में आ जाएंगे तो आपको ये आपकी बात समझ में आ जाएगी, या फिर जिसने आपको बुलाया उससे अगर आप बात करेंगे प्रोडक्ट के बारे में तो आपको बता देगा, ठीक है। कितने कंट्रीज में? 200 से ज्यादा कंट्रीज में लोग इसका इस्तेमाल कर रहे हैं, बरा कुछ कंपनियां बोलते हैं हम इतने पुराने हैं, लेकिन कितने कंट्रीज है? 20 या 25 कंट्रीज में ही है, इससे ज्यादा वो नहीं जा पा रहे। तो इसके उत्पाद कैसे है? हर कंट्री में 200 से ज्यादा कंट्रीज में इसके उत्पाद लोग इस्तेमाल कर रहे हैं। कितने? 20 मिलियन से भी ज्यादा लोग इसके सेटिस्फाइड कंज्यूमर है, मतलब क्या? कस्टमर है ऑलरेडी, जिन्होंने ये चीज इस्तेमाल की है और वो इस ब्रांड से सेटिस्फाइड है, समाधान है, बराबर है। और ये निरंतर बढ़ते जा रहे हैं। अब मुझे बताइए 200 कंट्रीज में कैसे चले गए? अगर सेटिस्फाइड नहीं होते तो क्या जा सकते थे क्या? नहीं, बराबर। लोग सेटिस्फाई हो रहे, समाधानी हो रहे, इस ब्रांड से समाधानी है, उसको जो चाहते वो मिल रही है, इसलिए ये ब्रांड इतने सारे कंट्रीज में चला रहे। और ये कैसे? ये खुद के फैक्ट्री से बनाए हुए है, दूसरे किसी से लेते हुए आपको नहीं दिए, खुद के फैक्ट्री से बनाए हुए इतने सारे का हर कंट्रीज में जाना, मतलब हर कंट्रीज में अपनी खुद की फैक्ट्री लगा के हर एक को डिस्ट्रीब्यूट करना एक कोई खाने की चीज नहीं है, कितना बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर आपको लगाना पड़ेगा, सोचिए। ऐसा एक प्लेटफॉर्म आपको मिल रहा है एक आपकी सिस्टम डेवलप करने के लिए। देखो मार्केट में चले जाएंगे तो ऐसे बहुत सारी कंपनी आपको मिलेगी, बहुत सारी कंपनी आपको रहेगी, लेकिन क्या वो आपको सिस्टम प्रोवाइड कर रही है क्या, सिस्टम दे रही है क्या ऐसा डेवलप करने के लिए?
जो आज तक आपने जो चीजें इस्तेमाल की, ऐसे कोई कंपनी आपको सिस्टम दी क्या कि आप यहाँ पर आए सिस्टम डेवलप कीजिए और एक पैसा भी आप ले लीजिए, नहीं क्या ना। तो ये कंपनी आपको एक सिस्टम दे रही है, एक मौका दे रही है आपको सिस्टम, आपको एक सिस्टम डेवलप करने के लिए। तो इस कंपनी के जो सारे उत्पाद है वो किसे बनाए हुए है? बारे में आपको जानकारी चाहिए, आप खुद नेट के ऊपर चले जाइए और देख लीजिए कि इस चीज का इस्तेमाल करने से कितने सारे, कितने करोड़ लोगों के स्वास्थ्य सुधर गए। आज हमें जो गंभीर बीमारियां हो रही है उसका नतीजा, उसका कारण से देखिए है हमारी जीवन शैली, लाइफस्टाइल डिजीज बढ़ रहे, और ये एक ऐसी चीज है जो हमारे लाइफस्टाइल को अच्छे तरह सुधार सकती है। ऐसी चीज है किंग ऑफ अर्थ, जिसका नाम है ज्ञान रत्न। 200% ज्यादा है। एक एक कॉन्सेप्ट चलते हैं, ये मानते हैं कि हर जगह पे, पूरी दुनिया में हर जगह पे एक क्या है, सब सारे लोग क्या है, कंज्यूमर है। सारे लोग वही चीजें इस्तेमाल कर रहे हैं जो उनकी नेसेसिटी है, जरूरत है, हर जगह पे है, बराबर है। तो आप एक जगह पे रहते, आप हर जगह पे भी व्यवसाय कर सकते हैं। इनकी जो कंज्यूमर कौन है, मतलब ब्रांड देखते ना, ब्रांड बराबर, ब्रांड तो ये ब्रांड है किंग ऑफ दुबई। अगर ये चीज इस्तेमाल कर रहा है मतलब ब्रांड है ना, बराबर है। तो ऊंचे लोग जो ब्रांड इस्तेमाल कर रहे हैं वो चीज आपको इस्तेमाल करने को मिल रही है, मतलब ब्रांडेड चीज इस्तेमाल करने को मिल रही है ना, तो भाई कॉन्फिडेंट हो जाएंगे। चीजें इस्तेमाल करने वालों को कोई डर लगेगा नहीं, डर लगना चाहिए नहीं। अगर इतने ऊंचे लोग चीजें इस्तेमाल कर रहे हैं मतलब मैं भी इस्तेमाल कर सकता हूँ, बराबर है। वो अगर रोल्स ऐसे घूम रहे तो अपने पे लगता है ना, लेकिन सिर्फ हमारी मजबूरी क्या, हम उसको खरीद भी सकते, बराबर। लेकिन हमारा भी ब्रांड वही है, अगर वो ब्रांड इस्तेमाल कर रहे, वो ब्रांड इस्तेमाल करने के लिए आपको अगर कहीं मौका मिल रहा है तो करना चाहिए, बराबर है। ऐसे देश में कंपनी के कई सारे प्रोडक्ट है, तकरीबन 90 से भी ज्यादा प्रोडक्ट है, और कई सारे प्रोडक्ट आ रहे जो आपके जीवन शैली में हर दिन आपको जो लगते है। आपको करना क्या है, क्या रो बेस्ट प्रोडक्ट है सारे, बराबर। इससे आपको क्या हो जाएगा, अनहेल्दी से आप हेल्दी की तरफ चल जाएंगे। जो मैंने पहले बोला सिक्योरिटी क्या चाहिए, हेल्थ सिक्योरिटी चाहिए। तो प्रोडक्ट आपको इस्तेमाल करने से क्या मिल जाएगा, अनहेल्दी से आपको हेल्दी मिल जाएंगे। अगर आप हेल्दी है तो आपका हेल्थ मेंटेन होता जाए। अब ये सारे कई सारी चीजें है, कई सारे उत्पाद है जिसकी आप एमआरपी लिखी हुई है। बाजार में जाके हम क्या करते हैं, चीजें एमआरपी से खरीदारी करते हैं, बराबर है। हाँ, या फिर डिमांड में चले जाएंगे तो हम कहीं पर कुछ छोटा से हमें छूट मिलती है, डिस्काउंट मिलती है, तो हम बहुत खुश हो जाते हैं, बराबर है, खुश हो जाते हैं ना। लेकिन क्या वो डिस्काउंटेड चीजें खरीदने से हमारी जिंदगी कभी बदलती है, या फिर कुछ जिंदगी बदलने का कोई मौका मिलता है, कोई चांस नहीं, कोई मौका नहीं, ठीक है। तो यहाँ पर कंपनी आपको एक मौका दे रही है, जो हम बजार में चले जाते हैं एमआरपी से सारी चीजें खरीदते, वो सारी चीजें आपको यहाँ से डिस्काउंट में मिलेगी, बराबर है। तो डिस्काउंट मिलेगी तो आपको कुछ फायदा होगा, जैसे हमने मतलब पहले बोला था कि 2002 में हमारा किराना जो हम खरीदी करते थे कितना लगता था, 10,000, बराबर है। और आज की तारीख में वो 30,000 भी हो जाएगा, इतना गुना खर्चे बढ़ गए, बराबर है। मैं मानता हूँ इतना नहीं खर्चा, लेकिन 10,000 तो महीने का खर्चा है, बराबर। जो हम चीजें लगती है, मैंने कुछ चीजें ऐसी पकड़ी जो मेरे घर में लगती है, बराबर। मतलब मैं समझता हूँ कि 10,000 का खर्चा मेरे घर में लग रहा है तो आपके घर में लगेगा या फिर लगता रहेगा, ठीक है। तो ये करते हैं, यहाँ पर एक चीजें है एमआरपी, एमआरपी है, बराबर है। तो हमें यहाँ पे चीजें कैसी मिलेगी, डिस्काउंट में मिलेगी सारी चीजें, बराबर है। तो अभी इसमें मैंने कुछ लिखा है पॉइंट वैल्यू और सेल्स वैल्यू, अभी ये देख के आप कुछ कंफ्यूज हो जाएंगे, ये चीज क्या है, बराबर। आज तक हमें कुछ पता नहीं, बराबर। डिमांड भी चले जाते वहां पे, खरीदारी करते वहां पे, पता है आपको कुछ पॉइंट मिलते हैं, बराबर। अब पॉइंट मिलने से अगर इतने पॉइंट हो गए तो आपको कुछ मिलेगा, बराबर। पैसा नहीं मिलेगा, गिफ्ट मिलेगा, ठीक है। तो यहाँ पर कंपनी क्या किया है, यहाँ पर कंपनी ने गिफ्ट नहीं दिया, यहाँ पर कंपनी ने पैसा दिया, बराबर। अब ये पॉइंट वैल्यू क्या है,
और ये सेल वैल्यू। ये पॉइंट एक ऐसी चीज है जो हर एक उत्पाद के, देखो बाजार में जो भी चीजें आती है यहाँ वहां पर उसके ऊपर लिखा होता है एमआरपी, बराबर है। तो एमआरपी जो कीमत लिखी हुई है कि एक्चुअल में उतना खर्चा हुआ है क्या? नहीं, हम जानते हैं जो चीजें मार्केट में आती है उसका मूल खर्चा जो है वो बहुत ही कम है। हाँ, वो खर्चे से लेके यहाँ एमआरपी आने तक जो बीच में जो खर्चा हो रहा है वो हर एक अपना अपना एक प्रॉफिट कमा रहा है, प्रॉफिट दे रहा है, बराबर है। तो वैसे ये चीजें सारी चीजें जो है ये भी वहां पर भी है, यहाँ पर भी एमआरपी है। जो बीच का जो पैसा जो कुछ ही लोग ले रहे थे वो पैसा 60% जो पैसा जो है रुपए वो कंपनी ने आपको देने पड़ा है। इससे क्या हो रहा है, पहले क्या हो रहा था, क्या होता था समाज में, क्या होता था एक ही क्लास है वो आगे बढ़ रहा था ना, बराबर है। लेकिन पैसा कौन दिया था उस क्लास को बढ़ाने के लिए? निचला वर्ग, निचला हिस्सा है ना, वही दिया रहा था, वही अपने जेब से खर्चा पैसा निकाल के ऊपर वाले को और बढ़ा रहा है, और बढ़ा रहा है। क्योंकि इसके समझ में है नहीं, वो बात समझ में नहीं है, या फिर इसके वजह से कोई सिस्टम नहीं है वहां तक पहुंचने के लिए, ठीक है। तो कंपनी ने क्या किया, वही पैसा एक सिस्टम के तहत आपको देने को लगा है और कहा ये जो आप चाहते तो आप भी उस क्लास में चले जाते हैं, इस सिस्टम का इस्तेमाल करते हैं। इसलिए आपको क्या करना है, पहले आपको पहले यूज करना है, क्योंकि मार्केट में जो चीजें जाते हैं खरीदते हैं यूज करते हैं पहले, बराबर है। कभी देखी नहीं है फिर भी हम लेके आते, चलो क्या पहली बार देखा, जो इस्तेमाल करेंगे ट्राई करते, अच्छा लगा तो ले लेते, नहीं तो क्या करते नेक्स्ट। दूसरा, बहुत ब्रांड पड़े हुए हैं, बराबर है, एक साफ सोप पसंद नहीं है तुरंत दूसरा वो पसंद, तीसरा मार्केट में 100 ब्रांड है, बराबर। इसलिए एक कंपनी खुद के कम से कम 40-50 ब्रांड के सोप बना रही है, बराबर है। वो जानती है किसी को ये पसंद नहीं आएगा तो ये पसंद आएगा, किसी को रोज पसंद नहीं है तो किसी चमेली पसंद आएगा, और क्या क्या पसंद आएगा, बराबर है, चलता है। किसी को नींबू पसंद आएगा वो डालेगा, मतलब हर एक के टेस्ट अलग अलग है, तो चॉइस अलग अलग है, तो क्या करे उसके हिसाब से। वो देखो मार्केट में जूस भी निकलते हैं तो एक ही जूस नहीं रहे ना, उसमें वैरायटी आती है, क्यों आती है, उसको वो पसंद नहीं है, उसको ये पसंद है, वो नहीं ये लेगा, इसलिए ठीक है। जिससे आपको क्या करना पड़े, यूज करना है। यूज करने से आपको लगा कि नहीं ये चीज इस्तेमाल करने से मुझे फायदा हो रहा है, पहला जो है सिक्योरिटी है, वो हेल्थ की सिक्योरिटी मुझे मिल रही है, ये आप कॉन्फिडेंट हो जाएंगे इस्तेमाल करने से। एक बार आपको कॉन्फिडेंट हो जाएगा तो आपको कोई हिला नहीं सकता, ठीक है। कॉन्फिडेंट हो जाएंगे फिर आपको क्या करना है, वही कॉन्फिडेंस क्या करना है, क्या करना है, शेयर करना है कि आपको क्या फायदा हुआ। पहली बात, ये चीज इस्तेमाल करने से मुझे ये फायदा हुआ, साथ साथ में मुझे कुछ ये भी आ गया, अच्छी चीजें है ना, बराबर है। तो आपके पहला फायदा क्या हो गया, कुछ पैसा बच गया, बराबर है, डिस्काउंट में पैसा बच गया आपका, बराबर है। ये आपकी पहली इनकम होगी, मनी सेव मनी अर्न, बराबर, पैसा बचाने से हमारा एक इनकम भी हो गया, ठीक है। आप वो बोलेंगे कि ठीक है तो ये कौन लोग है, सब या इतने लोग है ना, सब क्या सब सब किसके पीछे पड़े हुए, पैसा कमाने के लिए। और वो पैसा कमा के क्या करते हैं, अच्छा कौन सी चीजों के ऊपर, यही चीजों डेली नेसेसिटी जो चीज है उसी के ऊपर खर्चा करती है। मतलब हर एक घर का खर्च कम से कम 10,000 तो है, बराबर है। इतने सारे जो लोग है वो सारे लोग 10,000 कम से कम तो खर्चा कर ही रहे ना, ऐसा कुछ होता है क्या, घर में जॉब नहीं है फिर हम खर्चा नहीं करेंगे, ऐसा होता है, कहीं से भी पैसा लेके आएंगे और करेंगे जरूर से। मतलब यहाँ के हर आदमी पैसा कमाने के लिए जा रहे हैं और खर्चा करने के लिए जा रहे हैं, बराबर है। तो अभी हमको क्या करना है, इससे कुछ लोग बोलते हैं ना कि ये लोग हमें कहां पर मिलेंगे, तो समाज में हिसाब सारे सारे लोग घूम रहे, बराबर है। तो अभी हम महाराष्ट्र की बात करते हैं, कितनी पॉपुलेशन है 2023 में, 12 करोड़ ये आगे चले गए, 12 करोड़ है महाराष्ट्र एस्टिमेटेड पॉपुलेशन है। इसमें से मेल कितने हैं, 6 करोड़, और ये महिला है कितने, 6 करोड़, 12 करोड़ है, 6 करोड़, 6 करोड़ में 50-50% बोल, जो बातें करते हैं हम लोग ना, तो यहाँ पर है, बराबर है। आप मुझे बताइए ये 6 करोड़ ये 6 करोड़ अगर एक साथ में लग गए
हर एक ने अपना सपना सपना बांध लिया, हर एक ने सोच लिया, जिंदगी लगा दी, बराबर है। तो इसमें से कितने परसेंट लोग अमेरिका की तरफ जाएंगे? सारे लोग जा सकते हैं ना, बराबर है, पॉसिबिलिटी है ना। लेकिन कुछ लोग नहीं जाएंगे, क्यों नहीं जाएंगे? सोच, सोच। और वो उनके लिए समाज का बैलेंस रखने के लिए, कुछ तो लोग चाहिए समाज के लिए। अभी मुझे सारे 12 करोड़ के 12 करोड़ अगर लोग अमीर बन गए झाड़ू को मारेगा, बराबर है। ये भी तो काम करने के लोग चाहिए ना, वो लोग क्यों करेंगे? क्योंकि उनकी सोच वहां तक नहीं। उन्होंने क्या सोचा था? उन्होंने ये सोचा अगर नहीं हुआ तो, लेकिन अगर ये साथ में चलते है, अगर इन्होंने सोचा अगर ये हो गया तो। अभी इसका ये देखिए, मुंबई की, मुंबई की हम बात करेंगे, बराबर है। मुंबई की बात अभी मुंबई की, मुंबई की ये ग्रोथ रेट, ग्रोथ रेट फिफ्टी में होता है, ये ग्रोथ रेट है 23, 22, 23, 21 कितना परसेंट की ग्रोथ हो रही है? कहां पर था 1.26, कितना बड़ा 1.42, कितना बड़ा 1.60। इसका मतलब क्या है? आपके बिजनेस में कभी गिरावट कभी नहीं आएगी, ये बढ़ते ही जा रहा है। जितना बढ़ेगा उतने लोग इस्तेमाल करते रहेंगे। अभी मुझे बताइए, घर में शुरू से आपके घर में जो टूथपेस्ट इस्तेमाल करते आए, वही टूथपेस्ट कंपनी चलती आई, बराबर है। मेरे पिताजी वो इस्तेमाल करते रहे, इसलिए मैं भी इस्तेमाल कर रहा हूँ। लॉजिक मुझे कुछ पता नहीं है, वो इस्तेमाल कर रहे हैं इसलिए मैं कर रहा हूँ। कुछ चीजें हम ऐसे करते हैं ना, मेरे पुराने लोग इस्तेमाल कर रहे थे इसलिए मैं करते 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 आया, ये चीजें मैं करता हूँ। वैसी चीजें जितने लोग बढ़ेंगे तो बिजनेस भी आपका बढ़ता जाएगा। तो आपके मन में ये दिमाग में आता है ना, अगर इतने अच्छे प्रोडक्ट है तो कंपनी आपको क्यों बोल रहा है, आपको क्यों बोल रहा है प्रमोट करने के लिए, बराबर है। टीवी पे एक आदमी आता है, बराबर है, और बोलता है ठंडा ठंडा कूल, बराबर है। तो क्या करते हैं, प्रमोट करता है ना, अंबेसडर प्रमोट करता है। क्या वो बेचने का आता है आपके घर के? नहीं आता है ना, बराबर है। वो आप देखते रहे उसका प्रभाव, इन्फ्लुएंसर है आपके ऊपर प्रभाव है, अरे वो शायद इस्तेमाल करता होगा ब्रांड, बराबर है, वो उसका ब्रांड होगा, चलो मैं भी करता हूँ। शुरू कर देते हैं, देखते नहीं उसने वाकई में किया है क्या, नहीं जानते, बराबर है। लेकिन सब कर रहे हैं, वो कर रहे हैं तो मैं भी करूँ, ठीक है। तो यहाँ पर ये कंपनी ये आपको मौका दिया, ये बात करने आपको मौका दिया। क्यों आपने मौका दिया? क्योंकि ये मार्केट कौन सा है? आप लोगों का मार्केट है, ये मार्केट बहुत बड़ा है। मुझे इन्फ्लुएंसर जो है, जो प्रभाव, वो कितने लोगों को बढ़ा रहे हैं? अगर मुझे वो आदमी पसंद नहीं है तो वो कितनी अच्छी चीज लगी है, तो मैं इसे मत थोड़ी करूँ, नहीं करूंगा। लेकिन जब मेरा आदमी, मेरा अपना आदमी है, वो आदमी कहता कि मैंने इस चीज इस्तेमाल किया, मुझे ये फायदा, मुझे इन्फ्लुएंसर जो है, जो प्रभाव, वो कितने लोगों को बढ़ा रहेगा? अगर मुझे वो आदमी पसंद नहीं है तो वो कितने अच्छी चीज लेके आए, तो मैं इस्तेमाल थोड़ी करूँ, नहीं करूंगा। लेकिन जब मेरा आदमी, मेरा अपना आदमी है, वो आदमी कहता है कि मैंने इस चीज इस्तेमाल किया, मुझे ये फायदा हुआ है, और मुझे ये भी आ रहा है, नहीं ये भी इसे, इसके माध्यम से मैं ये भी कमा रहा हूँ, बराबर, तो उसका ज्यादा फर्क पड़ेगा या तीसरा व्यक्ति का फर्क पड़ेगा? अपनों का ये अपनों का मार्केट है, क्योंकि हम अच्छी चीजें है, वो अच्छी चीजें हम अपनों के साथ शेयर करते हैं ना। कभी बुरी चीजें शेयर की है आपने? अगर बुरी चीजें शेयर की तो क्या हो जाएगा, इतने सालों का रिश्ता क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा, बराबर है। इसलिए हम हर समय में क्या करते, अच्छी चीजें हम शेयर करते, इसलिए अपनों का मार्केट है। अब ये जो मार्केट है, ये हमने देखा कि हेल्थ आपको मिलेगी, ठीक है, तो ये हेल्थ मिलेगी। अब ये आप देखा, एक कंज्यूमर है, नॉर्मल कंज्यूमर है, वो क्या करता है? अभी आप शुरू कर रहे हैं, फिर आपके मन में डाउट एंड कंफ्यूजन रहेगी, बराबर है, ये होगा कि नहीं होगा, चलो कुछ लेते हैं, कुछ करते हैं, बराबर, ऐसे मन में शासन रहेगा ना आपको, होगा नहीं होगा, या फिर अच्छे रहेंगे प्रोडक्ट, पता नहीं, ये तो सब बोल रहे हैं, वो भी कह रहा है कि अच्छा है, लेकिन ये बोल रहा है कि नहीं, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ा है, मुझे अच्छा नहीं लगा है, मन में शंका रहेगी, बराबर है। ऐसे समय में आप चलो शुरू तो कर लेते हैं, बराबर, आपको लगा कि 10 लोग तो अच्छा बोल रहे हैं, 3 लोग खराब बोल रहे हैं, 10 लोग तो अच्छा बोल रहे हैं, मन में शंका आ गई, तो अच्छा रहेगा,
ज्यादा लोग बोल रहे तो हम उसकी तरफ जाते हैं ना हमेशा, चलो अच्छा रहेगा, हमने सुन लिया, मन में शांत आ गई, कुछ हमने क्या किया उत्पाद खरीद लिए। जैसे मैंने पहले बताया था हर एक चीज के ऊपर पॉइंट वैल्यू बराबर है, ये पॉइंट वैल्यू क्या मतलब क्या, वो प्रॉफिट है आपका, वो सिंपल है वो प्रॉफिट है, ठीक है। तो हमने 10,000 की खरीदारी की बराबर, देखो जैसे मैंने पहले बताया था कितने बताया मैंने 10,000 खरीदारी और कितने पॉइंट वैल्यू बताए थे 3,050 बराबर है। वैसे हमने खरीदारी की दस हजार खरीदारी की बराबर हर महीने जो होती है, इससे कितने पॉइंट वैल्यू बने 3,000 बने बराबर है। तो कंपनी जो स्ट्रक्चर बनाया जो प्रॉफिट का स्ट्रक्चर बनाया बांटने के लिए जो बनाया ना उसमें आप ले रहे 25%। अब ये कैसे होते हैं, ये सिर्फ आपने कंज्यूमर है बराबर, अब ये कंज्यूमर ने आपने खरीदारी की आपको अच्छा लगा आपने शुरू किया आपने अच्छा इसमें 10,000 करी, लेकिन सभी लोग 10,000 खरीदारी नहीं करेंगे ना। शुरू में आएंगे तो कुछ लोग बोलेंगे ना मैं 5,000 की खरीदारी करूँ, जो रखते मुझे 5,000 तो मैंने 5,000 दे दिए बराबर, तो उससे पॉइंट वैल्यू कम हो गए, ऐसा हो सकता है ना। सब लोग तो नहीं करेंगे ना, आएंगे तुरंत 10,000 खरीदारी करना चालू कर नहीं बराबर है। तो कुछ लोगों ने खरीदारी किया तो यहाँ पर उनके पॉइंट वैल्यू बने 2,000 ठीक है। मैंने कितने होते सब सारे लोग है ना चीज इस्तेमाल कर रहे हैं, उसमें से मैंने बोला कि अच्छा 6 लोगों को बोल दिया हमने बराबर, अपनी हम अपनों की बात करते ना। तो इतने इतने लोगों ने लिया डर डर के 10,000 नहीं 5,000 खरीदे, तो समझो उनके पॉइंट वैल्यू बने 2,000, तो कितने का सेल होगा 12,000। इसके ऊपर आपको मिले 16%, वो 16% आपको मिले कितना हो गए वो 1920 हो गए बराबर है हा? और आपने जो खरीदारी की 10,000 की खरीदारी कितने मिले उसके ऊपर 750 बराबर है। अब ये 6 लोग है अपनों का मार्केट है ना, वो डर डर के बोलते हैं, शुरू में कॉन्फिडेंस नहीं होता है बराबर है। हमें बोले चलो ठीक है, सब लोग आपके ऐसे नहीं होते ना पावरफुल एकदम तैयार, ऐसे नहीं होते ना, डर डर के करते हैं, एक पैर देखते हैं डालू कि नहीं डालू बराबर, हाँ चलो ठीक है फिर दूसरा डालते ऐसे रहते ना। तो उन लोगों ने समझो ज्यादा नहीं 3-3 लोगों के बोला, 3 लोगों बोला तो कितने का सेल हो गया उन्होंने 2,000 मैं ये भी है ना कि 10,000 की शुरू में खरीदारी की 2,000 की 36,000 की हो गई बराबर है। उसके ऊपर आप कितने मिला 16% बराबर है, कुल मिला कितना हो गया ये 5,700 और ये कितने हो गए 8,430। मतलब आपने कितने लगाए थे, आपने अपना सामान खरीदने के लिए कितने लगाए थे 10,000 10,000 में से आपको कितने परसेंट कितने वापस आ गए 8,000 आ गए ना। मतलब एक या ये सिस्टम बन रही है आपकी, ये सिस्टम मार्केट में ऑलरेडी है लेकिन उसका कोई आपको लाभ नहीं है, वो सिस्टम दूसरे लोगों के लिए कुछ क्लास लोगों के लिए, अब ये सिस्टम है, ये सिस्टम आप लोगों के लिए ये डेवलप करने का मौका मिल रहा है और ये अपनी शुरुआत ऐसी आपने सिस्टम शुरुआत की। मैं ये नहीं कहूंगा कि आपको पहले दिन में आपको 8,000-8,500 आ जाएंगे, शायद ऐसे भी सिस्टम आप जितने फास्ट करेंगे डेवलप करेंगे उतना फास्ट इनकम आएगा। इसलिए मैंने क्या बोला कंबाइन एनर्जी होता क्या कभी कभी भैया आपका शैम्पू कुछ अलग लगता है, बीवी कुछ अलग लगता है बराबर है, उसको पता नहीं ना कि ये क्या है। अगर आप साथ में रहते हैं तो उसको समझ में आएगा कि ये शैम्पू इस्तेमाल करने से क्या है बराबर है, तो क्या हो जाएगी कंबाइन एनर्जी लग जाएगी, सबकी टेस्ट एक जैसी हो जाएगी। हमें ये क्यों बदलना है ये कारण उनको पता चलेगा ना बराबर है, ये हो जाएगा फिर आपका ये इनकम की तरफ 100% बढ़ सकते है, तो आपकी ताकत भी बढ़ेगी, ये 6 के बदले 60 भी हो जाएंगे बराबर है। तो ये कुल मिला कितने हो गए 8,000, आपने लगाए थे 10,000, 8,000 वापस आए। नॉर्मल जिंदगी में कोई ऐसा मिलेगा आपको नहीं मिला, क्योंकि सिस्टम नहीं थी। ये आपको क्यों मिला सिस्टम की वजह से, ये सिस्टम का पहला स्टेप है आपको पैसा वापस आने लगा। सोचो एक ही शुरू में ही आ गया, ये कुछ ही महीने हो गए आपको डेवलप करने के लिए बराबर है, जैसे जैसे ये पुराने होती जाएगी सिस्टम तो सोचिए हमने कितनी बढ़ेगी या घटेगी। अब देखते हैं देखो वो 6 लोग उन्होंने 3 लोगों को बोला ना बराबर है, अब ये जो 18 लोग आ गए उन्होंने ज्यादा नहीं आपने आजू बाजू को लेकर बोला, 2 लोगों को बोला कितने हो गए 36 बराबर है। अब आप बोलेंगे वहां पे 16% मिला था, अब यहाँ पे हमें 7% मिल रहा है, मतलब कम हो गया, ये कम नहीं हुआ,
जो लोग आए ना उनको भी कुछ पैसे मिला नहीं। अगर आपने आए जब आप पहले आए थे तब आपको भी मिला था ना 25%, ऐसे उनको भी मेरा मिलना चाहिए कि नहीं? बराबर है, तो उनको भी मिला। तो आप ये तुलना देखो, आपको लगा कम हो गया लेकिन अमाउंट बढ़ा कि घटा है? बढ़ा है ना। अभी कितना आ गया? 10,000 आ गया। मतलब जितना लगाया उतना वापस आ गया। मतलब जो प्रोडक्ट आप इस्तेमाल कर रहे हैं फ्री हो गए। ये क्यों हो गया? क्योंकि ये सिस्टम आपको पैसा दे रही है। नॉर्मल जिंदगी में कोई सिस्टम नहीं है, ये पैसा सिस्टम आपको वापस दे रही है। अभी देखो पहले समय में लोग कॉन्फिडेंट नहीं थे ना, 2000 पॉइंट की खरीद हुई, 5000 की खरीदारी हुई थी। लेकिन अभी जो पहले आपने जो लाया वो कॉन्फिडेंट हो गए, वो 10,000 सामान लेंगे ना, फिर कॉन्फिडेंट हो अच्छे लगे और प्रोडक्ट क्या कहे वो लेंगे। और प्रोडक्ट भी क्या कहे, जो आप चीजें इस्तेमाल कर रहे हैं, चाय है, नमक है, टूथपेस्ट है, साबुन है, शुगर है, चाय है, कॉफी है, चवनप्राश लेते ना भाई, चवन द्रव्य है जो हमें जो चीज इस्तेमाल कर रहे हैं वो हमारे सेहत के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं, ठीक है। अब देखो ये कंपनी थे, टीम कितनी हो गई? 60 लोगों की टीम हो गई, 60 लोगों की। अब ये 60 लोगों की जो टीम बनी है, क्या आपने अकेले खड़ी की क्या? नहीं, आपके प्रयास कितने है? 6 मिनट है, 6 लोगों का आपने उनको मोटिवेट किया, उनको समझाया, तो उन्होंने आगे जाके अपना टीम खड़ा किया, ठीक है। तो ये 60 लोगों की टीम बनी है, आपको 10,000। अब देखिए ये कौन थे? सिंपल डिस्ट्रीब्यूटर थे, ये ज्यादा कोई काम नहीं कर रहे, ये अभी अपने सपनों के प्रति कमिटेड नहीं है, ये तो सिर्फ शुरुआत, एक पहले डाला है, शुरुआत किया, डालो कि नहीं डालो, हो सकता है कि नहीं हो सकता है, बराबर है। अब ये आएंगे, क्या आएंगे? सिंपल डिस्ट्रीब्यूटर। अभी सिंपल डिस्ट्रीब्यूटर कंटिन्यू हो रहे हैं। देखो अभी उन्होंने जो कॉन्फिडेंट हो गए, अभी वो क्या कर रहे हैं? 10,000 का सामान खरीद चालू करेंगे ना, विश्वास आएगा प्रोडक्ट अच्छे है, पैसा भी कुछ वापस आ रहा है, अभी रुकेंगे या बढ़ाएंगे? बढ़ाएंगे। तो बढ़ाएंगे, कितना अमाउंट आ रहा है? 23,610। उस महीने में आपके वापस कितना लगाएंगे? 10,000 लगाएंगे ना, बराबर है। तो पहले मैंने आपको कहा कि कम हो रहा था, अभी कितना बढ़ रहा है? बढ़ा ना, 12% बढ़ा ना, बराबर है। तो ये इनकम भी बढ़ गई आपकी 23,000। अभी मुझे बताइए यहाँ पे आपका प्रॉफिट हो रहा है कि नुकसान हो रहा है? जहां पे आपने लगाए 10,000, वहां से अगर आपको और 10,000 एक्स्ट्रा आ रहा है, तो सिस्टम अच्छी है कि बुरी है? अच्छी है। आवाज कम आ रहा है? अच्छी है। मुझे लगा कुछ लोगों को अच्छी लगी, सब बाकी लोगों को बुरी लगी, इसलिए आवाज कम आया। कुछ लोग 4-5 लोगों को अच्छी है, बराबर। मतलब सिस्टम अच्छी है, अच्छी है, काम करने के लिए कोई प्रॉब्लम है? अब ये देखो ये कौन आ रहा है? अभी रियल डिस्ट्रीब्यूटर। अब ये रियल डिस्ट्रीब्यूटर क्या है? जो अपने सपनों के प्रति कमिटेड है, जो चाहते है वाकई कि मुझे इस क्लास से मुझे अपर क्लास में जाना ही है, रिच क्लास में मुझे जाना ही है, जो कमिटेड है, और ये कमिटमेंट के लिए कंबाइंड एनर्जी लगाने के लिए मैं हमेशा बोलता हूँ कि आप साथ में रहिए, परिवार के किसी व्यक्ति को साथ में लेके आइए, तो क्या हो गई? कंबाइंड एनर्जी लगी, सबकी एनर्जी लगी के साथ में। अब क्या होगा? देखो अब ये कमिटेड हो गए, बराबर है। अब कितनी खरीद, 10,000 खरीदे कर रहे, बड़ा हर एक व्यक्ति कर रहे हैं। लेकिन अब ये क्या कर रहा है? ये 6 तो आपने किए ना, अब ये भी कमिटेड हो गए। अभी उन्होंने क्या किया? अपने 6 लोगों को बोला, अपने 2 लोगों को नहीं बोला, अपने 6 लोगों को बोला, या 3 लोगों को नहीं बोला, 6 लोगों को बोला। क्यों बोला? क्योंकि इन्होंने देखा कि अगर आपको ये पैसा आ रहा है तो ये इनको भी आ सकता है, क्योंकि सिस्टम बन रही है, बराबर। सिस्टम से सबसे ये पैसा आ रहा है, बराबर है। तो इन्होंने भी 6 लोगों को किया, आगे जाके 36 हो गए ना। ऐसा कोई कंडीशन नहीं है कि 6 लोगों को ही बताना है, आप शायद कंफ्यूज हो जाएंगे, ऐसा नहीं। आप 6 लोगों को भी बोल सकते हैं, या 60 लोगों को बोल सकते हैं, या 600 लोगों को बोल सकते हैं, या 6,000 भी बोल सकते हैं, या 6 लाख भी बोल कर सकते हैं, क्योंकि ये बिजनेस है। बिजनेस का नियम क्या है? जिसकी ज्यादा कंज्यूमर उसकी ज्यादा उसकी कमाई, बराबर है। आज नेटवर्क में सबसे ज्यादा नेटवर्क किसके पास है? जियो, बराबर है। इसलिए उसकी इनकम क्या है? ज्यादा है, सिंपल बात है, यही है। वो क्या है? बिजनेस है। ये क्या है? व्यवसाय, बिजनेस है।
बराबर है। तो जिसके पास ज्यादा है, ज्यादा लोग उसके पास स्क्रीन पर ज्यादा इनकम है, बराबर है। ये सिस्टम है, सिस्टम लोग डेवलप कर रहे हैं। ये छह के बदला है, अगर अभी मुझे बताइए ये छह, अगर कम से कम उन्होंने छह लोगों को भी बोला तो कितने आ गए, 95,000 तकरीबन 95,000 आपको हर महीना आएगा। आप सोचिए एक व्यक्ति को लाख रुपए कमाने के लिए, महीना लाख रुपए कमाने के लिए कितना घंटे का काम करना पड़ता है, बराबर है, कितने सारा पसीना बहाना पड़ता है, कितने सारा उसके लिए कितना सारा एजुकेशन लेना पड़ता है और कितना सारा इन्वेस्टमेंट करना पड़ता है। अगर मैं कहता हूं कि आप जिस स्कूल में जा रहे हो, जिस जहां पे इन्वेस्ट कर रहे हो, कितने लाखों की इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, वहां पर वो इन्वेस्ट करते करते आप अपनी जरूरत भी पूरी कर रहे हैं, उसके लिए भी इन्वेस्ट कर रहे हैं। मैं कहता हूं अगर आप किसी जरूरत जो इन्वेस्ट कर रहे हैं उसमें इन्वेस्ट करें, वही इन्वेस्ट आप यहां पर करते तो आपको यहां से अलग इनकम सोर्स खड़ा हो जाएगा। चाहे आप आगे जाके आपको जॉब लगे या ना लगे, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ये मैं कहता हूँ कि आप जॉब करते करते अब ये करने के लिए आपको क्या अलग से कुछ टाइम देना है क्या? नहीं। आप क्या यहाँ पर क्या कर रहे हैं? आप किसी जरूरत ही जो है वही चीजें सिर्फ ब्रांड में बदल रहे और क्या कर रहे हैं? और इसके बारे में लोगों से अवेयर कर रहे हैं, ब्रांड अवेयरनेस कर रहे हैं। लोगों को पता नहीं है मर्सिडीज ब्रांड है, लोगों को पता है, बराबर है। अभी उसके बारे में बात करने जाए तो वो बोलेगा नहीं पता है, बराबर है। लेकिन डीएक्सएन ब्रांड सबको पता नहीं ना, बराबर। तो इसके बारे में आप बात करके लोग सुन लेंगे ना, ये कौन सा ब्रांड है, नया, बराबर। तो ये ब्रांड है, नया है आपके लिए नया, लेकिन ये पुराना ब्रांड है, 30 साल पहले का ब्रांड है। ये ब्रांड इस्तेमाल करने से मुझे ये फायदे होते, ये तुमको भी मिल सकते। अब ये बताने के लिए कि आपको पूरा सब नौकरी धंधा छोड़ के ये सब करनी जरूरी है, आप पार्ट टाइम भी कर सकते हैं, लेकिन सोच आपको फुल टाइम रखनी पड़ेगी। मैं तो पूरा ये अगर सोच मैं फुल टाइम रखेंगे तो पार्ट टाइम आपसे काम हो जाएगा, बराबर है। तो ये पैसा आपके घर में भी आ सकता है, ये पैसा कितने सारे लोगों के घर में जा रहा है ये आपके घर में भी आ सकता है। अब हर व्यक्ति जो है अपनी कमाई का जो खर्चा है वो 80% कहां पर करता है, परिवार के ऊपर। जो कमाता है वो 80% परिवार के ऊपर खर्चा करता है, खुद के ऊपर कितना खर्चा है, 20%। अब वो व्यक्ति इस दुनिया से चला गया, दूसरी दुनिया में चला गया, तो मुझे बताइए उसका 20% चला जाएगा, लेकिन उस 80% का क्या, ये कौन करेगा? अभी तक जो आया खर्चा करे ना। मैं ये क्यों बोला, कंबाइन एनर्जी क्यों लगाओ, इसका वैल्यू तब समझ में आएगा जब वो व्यक्ति नहीं रहता तभी, बराबर है। क्यों? क्योंकि वो 80% भी बंद हो गया, वो चला गया, बराबर है। तो वो चला जाने के बाद इसमें से कौन कौन आपके काम में आएंगे, कोई नहीं, समाज के लोग, कोई जो ताने मार दे। अभी आप काम शुरू करेंगे ना तो ताने यही लोग ताने मारेंगे आपको, इसके खानदान में किसी ने किया है ये करने चला है, पहले ये ताना आएगा, बराबर। इसके बाप दादा ने कभी बिजनेस नहीं किया और ये बिजनेस करने चला है। आप ये बोलते हैं मैं ये करूंगा, आप ये बोलते हैं मैं ये करूंगा, इसकी एजुकेशन नहीं है, इसकी ये लायक नहीं है, क्या क्या बोलते रहेंगे, कौन होगा ये समाज के लोग। उसके बाद में आएंगे आपको गरीबी दोस्त, रिलेटिव, तेरे औकात है क्या, यहाँ से शुरुआत करेंगे, यहाँ से शुरुआत। पहला उसको ताना यही रहेगा, बड़े बड़े बातें कर रहा है, फिर बाद में आएंगे नजदीक रिश्तेदार, वो आगे कैसे जा रहा है, तो आगे नहीं जाना चाहिए, ये शुरुआत यहां से करेंगे, ये करीबी बराबर है, नजदीकी, या फिर इनमें से कोई नहीं। अगर आएंगे दो दिन आपको ऐसे है ठीक है ये करेंगे, बाद में भूल गए, फिर बाद में तू जी रहा है या मर रहा है कोई देखने को आता नहीं है, सिंपल बात। लेकिन डीएक्शन इसकी सुनिश्चित करता है, ये सिस्टम आपने डेवलप किया तो ये सिस्टम आपको पैसा देता रहेगा आपके चले जाने के बाद भी, क्योंकि लोग आते रहेंगे अपने लिए खरीदारी करते रहेंगे, बराबर है। और ये पैसा जो सिस्टम के माध्यम से आपके खाते में आता रहेगा,
पैसा खाते में आता है ना, बोलो बिजनेस का भी पैसा खाते में आता है, ये पैसा भी आपके खाते में आता रहेगा, आपके बाद ये पैसा आपके आने वाले जो परिवार है उसको ये मिलता रहेगा। सबसे महत्वपूर्ण है, और सबसे महत्वपूर्ण क्या है ये कौन जानते हैं? पाकिजा की हीरोइन, पाकिजा पिक्चर आया था जबरदस्त हिट हुआ था ना, राजकुमार हुई है ये, इसका नाम है गीता कपूर। 67 साल में उसको बीमारी हो गई और उसके जो बेटे थे उन्होंने उसको अस्पताल में जाके छोड़ दिया और छोड़ के चले गए, वो उसको वापस देखने के लिए भी नहीं गए। क्यों नहीं गए? आमदनी बंद हो गई। अब इसकी जरूरत क्या है? हम बोलते ना कि अरे पिक्चर में काम करके बहुत पैसा आता है, बराबर है, एक उदाहरण नहीं अब कई सारे उदाहरण है। इतना काम करने के बावजूद, इतना पैसा होने के बावजूद जब उम्र ढल गई, बीमारी सब पैसा चला गया, आने का स्रोत बंद हो गया, काम मिलना बंद हो गया। सिंपल सी बात है, काम मिलना बंद, पैसा बंद। आखिरकार वो मर गई, तो मरने के बाद जो अशोक डायरेक्टर थे उन्होंने, अशोक पंडित उन्होंने उसका बिल पे करके उसको जलाया, उसके जलाने के लिए उसके बेटे भी नहीं आए। ये समाज की सिस्टम है। तो लोग पूछते हैं पैसे है, तो लोग सब पूछते हैं कैसा है, नहीं है तो ये जानते हैं, शोले फेमस हुआ शोले, बराबर है। लेकिन इनको देखो कितनी फिल्म मिली है, 225 फिल्मों में काम किया, नेशनल अवार्ड मिले उनको कई सारे, ठीक है। लेकिन 2011 में उनको अपनी जिंदगी चलाने के लिए पैसे नहीं दिए, जिंदगी चलाने के लिए पैसे नहीं दिए, और क्या एनर्जी भी नहीं थी काम करने के लिए, ऐसी हालत हो गई। हम सोचते ना कि अरे वो एक्टर इतना पैसा कमा रहा है, और सही मायने में सही जगह अगर इन्वेस्ट नहीं किया तो ये बुरे दिन आते हैं, क्योंकि उनका इनकम का स्रोत बंद हो गया, काम मिलना भी बंद हो गया, बीमारी आ गई, बराबर। दिन का भोजन करने के लिए भी उनके पास पैसे नहीं हुआ करते। इनको जानते गौतम सिंघानिया, एक ही आगे को पता है रेमंड का नाम, पता है रेमंड का, कितने लोगों को पता है रेमंड का नाम? सबका नाम पता है, लेकिन कौन चलाते है पता नहीं है, बराबर है। ये है विजयपत सिंघानिया, इसकी हालत क्या है, बेटे ने घर से निकाल दिया, कितना अमीर आदमी, इसकी क्या बुद्धि घूम गई पता नहीं ना, रस्ते पे आ गए, जीने के लिए पैसे नहीं दिए, ऐसी हालत। आप रेमंड ब्रांड बोलेंगे तो सबको पता है, बराबर है, लेकिन जिन्होंने रेमंड ब्रांड खड़ा किया उसकी हालत, अगर ये सिस्टम आप खड़ा करते हैं ना तो आपको कोई भी आदमी आप एक चीज आपकी जगह से कोई हिला नहीं सकते। सारे शेयर बेटे के नाम कर दिए, पैसा बेटे का चला गया, इसके पास क्या है? कुछ नहीं। यहां पर अगर ये सिस्टम आपने डेवलप की ना, आपके चले जाने के बाद ही वो सिस्टम दूसरे किसी के नाम पे चले जाएगी, अगर आप चाहेंगे तो, आप चाहेंगे तो आप लिख के देंगे कि मेरे बाद ये सिस्टम नॉमिनी मेरे बेटे के नाम पे, मेरे पत्नी के नाम पे चले जाए तो उसके नाम पे चले जाएगी। तो अपने हिंदू एक्ट के हिसाब से आपके बाद आपके पति के नाम पे चले जाती है, उसके बाद वो चाहे तो बेटे के नाम पे। तो अगर ये सिस्टम आपने एक बार सोच लिया कि ये मुझे करना चाहिए, मुझे थोड़ा सा ऊपर उठ के करना है, एक बार डेवलप किया, तो ये पैसा आपके आने वाले पीढ़ियों को भी मिलता रहेगा, जो आज मुकेश अंबानी के आने वाले पीढ़ियों को मिलता है, बराबर है। धीरूभाई अंबानी जहाँ पे छोड़ा था बिजनेस, उसके बाद मुकेश अंबानी वो बिजनेस उठाया, आगे बढ़ाया, बराबर है। वैसे ही जहां पर आपने छोड़ा होगा बिजनेस, तो वो बिजनेस आपके आने वाली जो पीढ़ी है उसको वो आगे लेके चले जाएंगे। नहीं तो क्या होगा कि आज भी आप तक आप काम कर रहे हैं, आपके बाद आपका बेटा आएगा,
वो कहां से शुरू करेगा? जीरो से। बराबर है। आप मान लो कहीं पर काम कर रहे हैं और आपकी इनकम है मान लो 1 लाख रुपया, 1.5 लाख या 2 लाख रुपया हर महीना, ठीक है। लेकिन अगर आपका बेटा जब आता है कमाने शुरू करता है, वो कहां से शुरू करता है? जीरो से। 30-35 हजार वैसे शुरू करते हैं, तो वहां तो वो 2.5 लाख तक जाने के लिए उसको वापस कितना साल लगाना पड़ेगा? अगर यहाँ पर अगर आपकी इनकम 2.5 लाख रुपए है महीना, तो आपके आने के बाद, आपके चले जाने के बाद वही जो 2.5 लाख से इनकम आगे बढ़ती जाएगी। ये सिस्टम आप अपने परिवार को देके निकल जाएंगे। तो मुझे बताइए कि रिटायरमेंट होने के बाद आप किसके ऊपर डिपेंड रहना चाहेंगे? अपने बच्चों के ऊपर, खुद के ऊपर, खुद के ऊपर, या फिर रिलेटिव परिवार के ऊपर, खुद के ऊपर, या चैरिटी? लोगों को लगा चैरिटी ना, गीता का बोल क्या आखिर में चैरिटी में उसको देना पड़ा ना, तभी तो जरा पाए किसने चैरिटी की, किसने उसको जरा पाए। बराबर है। या फिर अपने ऊपर, अपने दम पे रिटायरमेंट होने के बाद किसके ऊपर जीना चाहिए? अपने दम पे जीना चाहिए ना। देखो 1% बहुत होता है, इंपॉर्टेंट होता है 1% विश्वास, ट्रस्ट। अगर 99% सोच नहीं हुआ तो क्या जाएगा आपकी जिंदगी में, क्या क्या बदलाव आएगा? कुछ नहीं। लेकिन अगर आपने 1% सोचा कि ये करने से मेरे जिंदगी में बदलाव आ सकता है, सिर्फ 1%, ये 1% इतने सारे लोगों ने सोचा। ये व्यक्ति हाँ, मिस्टर राजीव कुमार क्या काम करता था? शायद आप अपनी जिंदगी में कुछ अच्छे काम करते होंगे, लेकिन ये आदमी क्या काम करता था? किसी दुकान में पानी देने का काम करता था। तुम पोरे बोलते हैं, ए इधर आ पानी दे, वो काम करता था। आज उसकी जिंदगी क्या बदल गई? केवल 1% ट्रस्ट कि ये मेरी जिंदगी में हो गया तो। हम वैसे जिंदगी तोते बहुत उड़ाते हैं ना, बराबर ना, ऐसा हुआ तो, वैसा हुआ तो, अगर ये मेरी जिंदगी में हो गया तो। इन्होंने भी वही सोचा, अगर हो गया तो क्या जिंदगी हो सकती यार। सच में आज वाकई में उनकी जिंदगी बदल गई। तो ऐसी जिंदगी बदलने के लिए मैं आपको वेलकम करता हूँ। थैंक यू वेरी मच। दिमाग में कुछ समझ में आया होगा या नहीं समझ में आया, बराबर है, शायद ये पहली बार होगा। ये समझने के लिए आपको बार बार आना पड़ेगा, ठीक है। सिर्फ आज का बेटे का सिर्फ सार मैं आपको एक कथा के माध्यम से आपको समझाना चाहता हूँ क्या करना है। बताओ, कुछ लोगों को चाहिए, कुछ लोगों को नहीं चाहिए, ऐसा क्या? सबको चाहिए। दो दोस्त थे, जा रहे थे तो क्या हुआ, शाम हो गई तो उन्होंने क्या सोचा, चलो जंगल लगा अभी यहीं पे सो जाते हैं, घने जंगल अंदर नहीं जाना चाहिए, बराबर है। तो भी जंगल शुरू होने से पहले हम सो जाते हैं, फिर दूसरे दिन सुबह उठ के हम चले जाएंगे। तो ठीक है, तो एक दोस्त के पास थे, अभी खाने के लिए कुछ चाहिए ना, तो एक दोस्त के पास थी 3 रोटी थी और एक के पास थी 5 रोटी, ठीक है। 5 रोटी कुल मिला के कितनी हो गई? 8 हो गई। तो दोस्त बोले चलो ठीक है, 8 रोटी है तो हम 4-4 करके हम मिल बांट के खाएंगे, ठीक है, चलो ठीक है। वो खाना खाने को बैठने वाले ही थे, इतने में एक और लड़का आ गया, अजनबी लड़का आ गया। बोला क्या भाई, क्या आप मेरे मुझे कुछ मदद कर सकते, क्या मैं भी आपके साथ रह सकता हूँ क्या? तो बोलो ठीक है, दरिया दिल इंसान थे, चलो ठीक है आ जाओ, तुम भी आ जाओ चलो। तो उन्होंने बोला क्या आपके पास खाने के लिए कुछ है? नहीं, मेरे पास खाने के लिए कुछ नहीं है। तो ठीक है चलो कोई बात नहीं, आ जाओ तुम भी हमारे साथ बैठो, हम मिल बांट के खाएंगे। तो मिल बांट के खाएंगे, अभी 8 रोटी थी, बराबर है, अब 3 हो गए, अभी कैसे कहेंगे, पहले तो 4-4 बांट के खाया, ढाई ढाई तो उल्टा पुलटा होता है, बराबर है। अब क्या करेंगे, तो एक ने सोचा दिया कोई बात नहीं है, 1 रोटी के हम 3 टुकड़े करते हैं, कितने? 3 टुकड़े किए, अब कितने हो गए? 24 हो गए, 24 हो गए, बराबर 24 हो गए। कितने आदमी है? 6 3 कुछ 3 लोग, 3 है ना, 24 हो गए ना, तो कितने आएंगे? 8 आएंगे ना,
आठ आएंगे मस्त पे आठ आठ हर एक ने खाए पानी पी के सो गए ठीक है। दूसरे सुबह हुई सुबह गई सुबह उठने बाद तो आज मेरा धन्यवाद आपने मेरे को रात को आपके साथ रहने का सौभाग्य मुझे मिला। मैं आपकी कोई मदद नहीं कर सका लेकिन मैं आपको कुछ देना चाहता हूँ। आपने जो मुझे हेल्प की उसके बाद बदले में मैं कुछ देना चाहता हूँ। तो बोले क्या देना चाहता है तो उसने क्या किया जेब से आठ बिस्किट निकाल के दे दिए। अब ये बिस्किट कुत्ते को खिलाने वाले नहीं थे तो कौन से बिस्किट थे सोने के बिस्किट उसने निकाल के दे दिए। आपने मुझे बदले में खाना दिया था इसके बदले में मैं अब ये आठ बिस्किट है बराबर। अब आठ बिस्किट जो है वो कैसे दे वो देके निकल गया। अभी आप क्या बोलते हैं कैसे बांटेंगे वो चार चार यही हमारे सोचे चार चार बांटेंगे। लेकिन वो जो दोस्त था बोलता मैं चार नहीं लूंगा मेरी पांच रोटी थी बराबर है और ये जो था ये बोलता मैं चार के लायक नहीं हूँ मेरे तीन ही रोटी थी बराबर। एक काम कर एक तू ले ले मैं तीन लूंगा मैं तीन रोटी थी तो वो बोलते नहीं ऐसा नहीं होगा वैसे नहीं होगा ये भले मेरे पांच लेकिन हम सात के थे ना तो तू चार मैं चार रखता हूँ आठ है ना तू चार मैं चार नहीं रख सकता क्योंकि मैंने तो तीन रोटी थी अगर मैं ऐसा करता हूँ तो मेरे लिए सही नहीं रहेगा। आज के दिन में ऐसा नहीं हो सकता ना आज के तेरे लिए वो भी मेरे ऐसे हो सकते ना बता ना ऐसा नहीं हो सकता। तो ये दोनों में झगड़ा चल रहा है कि कौन कितना लेगा बराबर। ये बोल रहा मैं तीन के हकदार हूँ वो बोलते नहीं नहीं हम मिल बांट के खाएंगे हमने मिल बांट के खाया ना तुम मिल बांट के। अब ये झगड़ा चलते 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 साधु के पास चले गए। साधु को बोला कि देखो यार हमने ऐसा किया तो हमको अब ये कैसे बांटेंगे तो साधु बोला ठीक है ये आठ बिस्किट मेरे पास रखते जाओ कल सुबह मेरे पास आ जाओ कल सुबह मेरे पास आज की तारीख में कोई रखेगा क्या साधु गायब हो जाएगा। लेकिन जमाना वो पुराना था साधु विश्वास था उन्हें रखा और लड़के लोग चले गए। उसी दिन सुबह चले गए बराबर है। सुबह चले जाने के बाद फिर वही कि कितना आ गया तो बोला नहीं तू चार रख नहीं बोला मैं चार नहीं रख सकता मैं तीन ही रख सकता। तो अभी कितना कैसा डिमांड कर सकते हैं आप और क्या बोल सकते हो कैसे देना चाहिए पांच और कैसे देना चाहिए आठ है इसकी तीन है ऑप्शन में क्या आता है पांच चार और चार आता है एक बार दूसरा ऑप्शन में क्या आता है पांच तीन आता है और क्या ऑप्शन हो सकता है एक दान कर दो ना बेटा एक साधु के लिए रखते हैं साधु के लिए रखते क्या दिमाग चल रहा है बच्ची में जाके पिघल देते आधा तक देखो हम सोचते हैं ये हमारे सोच हो गई ना हम सोचते क्या कि चार और चार ये लॉजिक है चार और चार लेकिन ये भी लॉजिक है पांच और तीन ये भी लॉजिक है लेकिन इसके ऊपर हम कभी उठते नहीं बराबर है। इसलिए मैं बोलता हूँ यार ये दिखाने का बिजनेस दिखाने क्यों है हम एक कॉमन है जो हमारे सोच है ना उसी सोच के हिसाब से चलते हैं कोई ऊपर उठ के सोचते नहीं है। अगर हमने ऊपर उठ के सोचा ना तो ये मिरेकल है ना ये मिरेकल अपने जिंदगी में हो सकता है। वैसे साधु ने बताया साधु ने जवाब दिया एक और सात एक और सात अब चक्कर में आ गए एक और सात कैसे एक सात तीन वाला जो है तीन रोटी वाला उसको एक मिलेगा एक बिस्किट मिलेगा और जो पांच रोटी वाला उसको सात बिस्किट मिलेगा चक्कर में खा गए। प्रकृति आपका त्याग देखती है साधु ने त्याग देखा बलिदान देखा कैसा ये कैसे हो गया जो तीन वाला ना तीन वाला उसके रोटी के कितने टुकड़े हुए नौ टुकड़े हुए तीन दिन के नौ टुकड़े हुए उसमें से उसने खाए कितने तीन
कितने गाय थे? आठ गाय थे ना आठ गाय थे बराबर है, तो उसके हिस्से में बचे कितना? एक बच्चा और जो पांच था ना, पांच के कितने टुकड़े हुए थे? पंद्रह उसके से खाए गए थे, सात बचा। त्याग कितना किया था? सात रोटी का त्याग उसने ज्यादा किया था और उसे सिर्फ एक रोटी का टुकड़ा त्याग किया था, वह किसका बनता है? हम क्या त्याग देखते हैं, आप क्या सैक्रीफाइस क्या कर रहे हो वो चीज पाने के लिए? तो ये करने के लिए आप क्या सैक्रीफाइस करोगे? ये चीज करने का आप सैक्रीफाइस क्या करोगे? आपकी कम से कम सोच तो ऊपर उठ के पड़ा। जो कॉमन सोच है, जो कॉमन सोच है वो आप में बाहर घूम रहे, बराबर है। अगर आपके पास वो सोच नहीं होती तो आप यहाँ पर नहीं होते। लेकिन इससे आपको थोड़ा और ऊपर उठ के सोचना पड़ेगा कि ये मेरी जिंदगी में हो सकता है। अगर हो गया 1% ट्रस्ट, 1% विश्वास अगर आप अपने साथ में रखते हैं तो ये मेरा कर आपके अपनी जिंदगी में भी हो सकता है। और ये जो 1% है ना, ये 1% टू हो चुका है कितने सारे लोगों के साथ, और कितने सारे लोगों के साथ हो रहा है। जो कुछ काबिल भी नहीं थे आज कितने काबिल हो गए, तो उस काबिलियत की तरफ आपको मैं आने के लिए आह्वान करता हूँ। थैंक यू वेरी मच।